हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं आपके साथ खीरे की शरबत की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। खीरा अपने आप में ही बहुत ताजगी देने वाला है, लेकिन अगर आप इसका शरबत बनाइए तो उसका क्या कहना। बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाता है और बना करके आप रख सकते हैं मेहमानों के सामने या पार्टी में इसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें भी इसमें यूज़ नहीं होती हैं। इसके लिए खीरा लेंगे, इसे इस तरह से मोटा मोटा काट लेंगे छील करके। अच्छी तरह से ध्यान रहे खीरा कड़वा ना हो, एक बार इसे ज़रूर चेक कर ले बनाने से पहले। चीनी लेंगे 2 बड़ा चम्मच, नींबू लेंगे कुछ बूंदे नींबू की चाहिए, ज़्यादा नींबू इसमें नहीं अच्छा लगता, और ठंडा पानी आइस क्यूब भी चाहिए होगा इसके लिए। ग्राइंडर के जार में खीरे को डालेंगे, साथ में चीनी। चीनी आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए। हाफ टी स्पून इसमें नींबू जाएगा, हाफ ग्लास इसमें पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से पीस लिया है, अब इसे छान लेंगे। अगर आप पल्प पसंद करते हैं खीरे का तो छानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। इसे छान लूँगी। अच्छी तरह से छान लिया है, इसमें देखिए इतना पक बचा है, ये देखिए तैयार है। आइस क्यूब डाल करके सर्व कीजिए। खीरे का शरबत तैयार है, आप इसे ठंडा ठंडा मेहमानों के सामने सर्व कीजिए और तारीफ पाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।